नमस्कार, कुमार रोशन, news.in पटना। और अभी हमारे मनोज जी से यह अपनी दावेदारी पेश के दीघा से इनसे बात करते हैं कि सर, आज जो आप लोगों ने पैदल यात्रा जो निकाला गया, जनसभा जो आप लोगों ने किया, इसके बारे में सर बताया जाए। देखिए, दीघा का जो जनता है पूरा एकदम मतलब बदलाव चाहती है, और वर्तमान में जो हमारे अभी जो है जीते हुए हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, जिससे पूरे दीघा में उनका विरोध हो रहा है। और उनका कहना है कि हमारे दुख की घड़ी में, कोरोना जैसे मतलब महामारी में, बाढ़ जैसे जो पटना डूबा हुआ था उसमें भी जो है वो मतलब जो है कि अपने घर में थे, इसलिए जनता बदलाव चाहती है और झांसे में नहीं आना चाहती है। जो ये लोग जो वादा कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है 10 लाख नौकरी देंगे, एक तरफ मतलब जो 19 लाख नौकरी देंगे, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी मतलब जो है सालाना मतलब जो कि बोले थे देने के लिए लोग केंद्र में, लेकिन कोई इनका मतलब जो है कि बात का ठीक नहीं है। वो बोलते हैं क्या कि ये जनता जब पूछती है कि 2 करोड़ नौकरी के लिए कहे थे तो ये लोग बोलते हैं कि जुमला था, तो ये लोग जुमला पे जुमला बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता काम करने वाले हैं, जमीनी काम करने वाले हैं। पप्पू यादव जी ऐसा एक चेहरा है जो बाढ़ में, कोरोना में, चाहे भागलपुर, हर मुद्दा को जो है उठाते हैं मजबूती से, और सेवा के लिए पूरे बिहार में चर्चित है। इनके ऐसा नेता कोई नहीं है और इनका जन समर्थन हमें मिला हुआ है। हम जन अधिकार पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं, इसलिए सारे लोग जो है चाह रहे हैं और बदलाव में ये देख रहे हैं हमको। चश्मा, ये कैंची छाप जितना मतलब जो है कि तेजी से चल रहा है चारों तरफ प्रचार, और कैंची छाप को लोग चाह रहे हैं, ये भैया का मतलब आशीर्वाद है जो कैंची छाप खा रहा है। और पूरे विधानसभा में कैंची 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 ही लोग मतलब ये चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। और इस बार ऐसा महसूस होता है कि इस बार जो है बीजेपी वहां से हारेगी और कैंची छाप जीतेगा। किस एजेंडा पे आप भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, किस एजेंडा पे आप विधानसभा में काम करेंगे इसके बारे में सर? देखिए, हमारी एजेंडा बहुत सारे हैं, ठीक है। पहला तो रोड, जो हम लोग यहाँ शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, घर से निकलते हैं तो रोड इतना खराब है इसका कोई हिसाब नहीं, पाकों में कादो है, निकलने के बाद में जूता पहन के निकलिए लेकिन कादो है, उसके चलते मतलब जो मोजा उजा जूता उता हाथ में लेना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में यह हाल है, जिनका नेता मतलब जो है कि इतना योजना चला रहे हैं, कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो शहर में यह हाल है जिसके चलते उनको एक TTI जो है रोड नहीं तो वोट नहीं, उनको कह करके मतलब जो उनको घुसने नहीं दिया गया, भगाया गया। उसी तरह से अनेकों जगह जिसको मीडिया छुपाने का काम कर रही है। आज माहौल ऐसा है कि बदलाव चाहते हैं, उनको लोग जो है ठीक से दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते जनता जो है आक्रोशित है। जनता मतलब सब जान रही है कि ये लोग जो है उनके फेवर में जो है काम कर रहे हैं, पूरी तरह से दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन जनता भी अब समझ गई है और जनता बदलाव चाह रही है। और पूरी तरह से जनता जो है कैंची छाप के साथ है, पूरे पप्पू यादव जी के साथ में है, और पूरे हम लोग अच्छा खासा वोट से हम लोग विजय पाएंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद। मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ रविदास, दीघा 181 विधानसभा से मतलब एक प्रत्याशी हम हैं, और उम्मीद ही नहीं पूरी भरपूर उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए कुमार रोशन, news.in पटना।